मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, इतिहास के पन्नों में शामिल एक ऐसा नाम जो हिंदुस्तान के सबसे काले दौर का प्रतीक है। हिंदुस्तान ने सैकड़ों आक्रमणकारियों को झेला है, पर जितना नुकसान बख्तियार खिलजी ने किया उतना शायद किसी ने भी नहीं किया। हेलो गाइस, मैं राजन और आज हम बात करेंगे द इंपैक्ट ऑफ इस्लामिक इन्वेजन ऑन इंडियन एजुकेशन सिस्टम और द लेट मिडिल एज ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। दोस्तों, किसी भी सभ्यता की बुनियाद उसके नॉलेज सेंटर या एजुकेशन सिस्टम पर डिपेंड करती है। अगर आपको अपने किसी प्रतिद्वंदी को हराना है या उस पर अपना कब्जा जमाना है तो पहला टारगेट है उसका दिमाग और उसका ज्ञान। ठीक कुछ ऐसा ही किया मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने, पर दरिंदगी की सारी हदों को पार कर। उसके पहले निशाने पर सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ही थे और उसका एक ही लक्ष्य था, वो था बुद्धिज्म और हिंदुज्म का विनाश। अपने दौर में उसने नालंदा, विक्रमशिला और उंटापुर जैसे देश के प्रमुख यूनिवर्सिटीज को बर्बाद किया। उसके इस नर्ककांड में प्राचीन किताबों और ग्रंथों को जलाना, यूनिवर्सिटीज को तबाह करना, पंडितों, गुरुओं, साधुओं और शिष्यों की हत्या करना और यूनिवर्सिटीज पर जबरदस्ती कब्जा करना भी शामिल था। शायद मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी मुस्लिम इन्वेजन के इतिहास का सबसे कलंकित दौर था। पर वो कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरह इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम की भी अपनी ही कुछ खासियतें थी। तो चलिए जानते हैं सम की हाइलाइट्स अबाउट इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम एंड द लेट मिडिल एज ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम व्हिच इज फ्रॉम 12th सेंचुरी एडी टू 16th सेंचुरी एडी। विद द एडवेंट ऑफ इस्लाम इन इंडिया, द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एजुकेशन इंक्रीजिंगली केम अंडर द इस्लामिक इन्फ्लुएंस। प्री मुगल रूलर्स सच एज कुतुबुद्दीन ऐबक एंड अदर मुस्लिम रूलर्स इनिशिएटेड इंस्टीट्यूशंस व्हिच इंपार्टेड रिलीजियस नॉलेज। इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया इंक्लूडेड ट्रेडिशनल मद्रासा एंड मकतब्स व्हिच टॉट ग्रामर, फिलोसफी, मैथमेटिक्स एंड लॉ, influenced by the Greek traditions inherited by Persia and the Middle East. A feature of this traditional Islamic education was its emphasis on the connection between science and humanities. Students from Uzbekistan and Afghanistan visited India to study humanities and science. Dosto, itihas ke pannon mein Nizamuddin Aulia aur Moinuddin Chisti jise prominent educationist ka naam bhi shamil hai, जिन्होंने देश में इस्लामिक एजुकेशन को प्रमोट किया और जिनका बहुत कंट्रीब्यूशन इस्लामिक एजुकेशन में सुधार लाने में हुआ है। मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया, आल्सो नोन एज हजरत निजामुद्दीन, वाज अ सुन्नी मुस्लिम स्कॉलर एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस सूफी सेंट्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। निजामुद्दीन औलिया स्ट्रेस्ड लव एज अ मींस ऑफ रियलाइजिंग गॉड। फॉर हिम लव ऑफ गॉड इंप्लाइड अ लव ऑफ ह्यूमैनिटी। His vision of world was marked by a highly evolved sense of religious pluralism and kindness. The other prominent educationist was Moinuddin Chisti, also known as Khwaja Garib Nawaz. He was a Persian Muslim preacher, aesthetic, religious scholar and philosopher who eventually ended up settling in Indian subcontinent in early 13th century, where he promoted the famous Chistiya order of Sunni mysticism. The particular tariq or order became the dominant Muslim spiritual group in medieval India. Dosto, Islamic invasion ke daur mein agar kisi insaan ka naam sabse upar aata hai jisne desh mein education ko promote kiya, wo hai Akbar, jinhe log pyar se Akbar the Great bhi kehte hain. Sirf insaniyat aur samaj hi nahi, par education system ki taraf bhi unka contribution bahut raha hai. Bhale hi bachpan mein unki khud ki padhai chhut gayi, पर जिंदगी भर वो एजुकेशन को प्रमोट करते रहे। द एजुकेशन सिस्टम अंडर द रूल ऑफ अकबर अडॉप्टेड एन इंक्लूसिव अप्रोच विद द मोनार्च फेवरिंग एडिशनल कोर्सेस लाइक मेडिसिन, एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी एंड टेक्स्ट फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस एंड रिलीजियंस सच एज पतंजलि वर्क इन संस्कृत। द ट्रेडिशनल साइंस इन दिस पीरियड वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज ऑफ एरिस्टोटल, भास्कर टू एंड चरक। This inclusive approach was not uncommon in Mughal India. The more conservative Mughal Aurangzeb also favored teaching of subjects which could be applied to administration.
तो ये थे कुछ की हाइलाइट्स अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ इस्लामिक इन्वेजन ऑन आर एजुकेशन सिस्टम. नेक्स्ट वीक विल टॉक अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल एरा ऑन इंडियन एजुकेशन सिस्टम. अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिएगा. फिर मिलेंगे अगले शनिवार एक नई वीडियो के साथ. गुड बाय एंड टेक केयर.